गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शो ऑफ एवरीथिंग में। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों के बाद अपना यूट्यूब चैनल में वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैंने जुलाई 2023 से शायद लास्ट वीडियो डाला होगा, तो इसके बाद मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा है। तो इसका कारण ये है दोस्तों कि मैंने हाल ही में अपना एक कंप्यूटर का शॉप किराए पे ली है और ये सेटअप मैंने अभी शुरू किया है, तो इस कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। थोड़ा वहाँ काम वगैरह करवाना था, वहाँ पे मैंने थोड़ा जो भी काम कराया है उसका भी मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा पहले बता लेता हूँ, इस कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पर कुछ काम हुआ, मिस्त्री वगैरह लगवाए हुए थे, पेंट का काम करवाया, काउंटर वगैरह बनाया। तो एक छोटा सा सेटअप मैंने तैयार किया है ताकि मैं अपना एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकूं और लोगों को अपनी सेवाएं दे सकूं, कुछ जो भी एसेसरी या जो भी सामान उसको बेच सकूं। तो इसी सिलसिले में मैं काफ़ी दिनों से बिजी था तो ब्लॉग नहीं बना पाया। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, जो मैंने सेटअप रेडी किया है उसको आपको भी दिखाऊँ और इस सेटअप में आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेगी उसके बारे में आपको भी बताऊं। अगर आपका कंप्यूटर ख़राब है, कोई हार्डवेयर का इशू है, रिपेयर का काम है या नया पीसी बिल्ड करना चाहता है, तो ये सारी की सारी सर्विसेज मेरी शॉप में आपको दोस्तों मिल जाएगी। या आप कोई एसेसरी परचेज करना चाहते हो कंप्यूटर की, या कंप्यूटर वगैरह ठीक करवाना चाहते हो, प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, या प्रिंटर परचेज करना चाहते हो, कीबोर्ड, माउस या जो भी एसेसरी होती है कंप्यूटर की, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, तो इस तरह का जो भी सामान अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे इस शॉप में आपको सारी सेवाएं मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह का ये सेटअप है। एक छोटा सा सेटअप आपको मैं दिखाना चाहता हूं और ये आपको मैं बता दूँ इसकी लोकेशन कहाँ पर है। बिल्कुल चंबा डिस्ट्रिक्ट के का जो मेन टाउन है, वहाँ से अगर आप शीतला ब्रिज क्रॉस करके यहाँ सुल्तानपुर की तरफ आते हो तो आपको जो पहला पेट्रोल पंप मिलेगा, जिसे इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप कहते हैं, वहीं पे मेरा ये शॉप है और ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास है ये। क्योंकि मैं इंडियन ऑयल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई 500 मीटर एक आगे और पेट्रोल पंप आता है, एचपी का पेट्रोल पंप, तो वहाँ नहीं है मेरी शॉप, ये मेरी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। और जो लोकल लोग जानते हैं जिसे मेहता पेट्रोल पंप भी कहते हैं, वहाँ पे बिल्कुल साथ में ही मेरी शॉप है और बिल्कुल दीवार पे लिखा हुआ है आईसीटी सॉल्यूशन। जो मेरी शॉप है उसका नाम आईसीटी सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पर आके जो भी सेवाएँ लेना चाहते हैं आप यहाँ पर मिल सकते हैं मुझसे। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, बाहर का व्यू मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो लोकेशन है मेरी शॉप की वो कहाँ पे एग्जैक्ट आपको दिखाऊँगा। तो देखिए, शीतला ब्रिज के साथ आगे थोड़ा जाके आपको एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप दिखाई देगा, उसके साथ में ही ये मेरी शॉप है। तो देखिए, ये बिल्कुल पास में ही ये मेरी शॉप का फ्रंट लुक है। तो इसका जो सड़क साइड जो मेरी शॉप का जो लेबल आपको दिखाई देगा उसका भी मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा। तो देखिए कुछ दोस्तों, इस तरह का लेबल आपको दिख जाएगा तो समझ जाइएगा कि ये आईसीटी सॉल्यूशन की जो शॉप है ये किसकी है। तो ये था दोस्तों बाहर का व्यू। तो बिल्कुल देखिए, आपको एनएच के सामने ही आपको ये मेरी शॉप दिख जाएगी। तो चलिए आपको इंटीरियर व्यू आपको दिखाता हूँ मैं, जो कि बिल्कुल इस तरह से दिखाई देता है। देख सकते हैं भोलेनाथ की प्रतिमा, बिल्कुल साफ व्यू। तो देखिए दोस्तों, मेरी दुकान के अंदर का व्यू। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरा काउंटर और इस काउंटर पे पास में ही मेरी चेयर है और ये है मेरा टेबल। और टेबल के ऊपर जो मेरे कंप्यूटर है वो मैंने रखे हुए हैं।
एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है और प्रिंटर है, तो कुछ इस तरह से ये काउंटर बनाया है मैंने। और काउंटर के साथ में ही मैंने ये दूसरे काउंटर पे प्रिंटर वगैरह रखा हुआ है, ये स्कैनर इत्यादि। दोस्तों, जो मेरा बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर फील्ड में है। थोड़ा सा अपना मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको अपनी डिग्री शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको भी लगे पता कि ये जो आईटी फील्ड में है तो इसने क्या कर रखा है जो ये कंप्यूटर का काम करता है। तो दोस्तों, मैंने बीएससी आईटी करी है, बैचलर ऑफ़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में ये डिग्री हासिल करी है। उसके बाद क्या है कि मैंने ओरेकल सर्टिफिकेशन, देखिए मैंने ओरेकल की ही ये टी शर्ट पहन रखी है, तो मैंने इसमें ओरेकल DBA करा है चंडीगढ़ से, एक साल का। तो ओरेकल में मेरी सर्टिफिकेशन है ओरेकल DBA ट्रैक में, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में, तो इसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है DBA में। इसके अलावा मैंने सिस्को एक कंपनी है नेटवर्किंग की फील्ड में, वहाँ से भी एक एसोसिएट का एक सर्टिफिकेशन ऑनलाइन कर रखी है, जिसके थ्रू मुझे जो नेटवर्किंग के काम है, जो बैंक से कॉल आती है, बैंक में क्या होता है कि जो सिस्को के राउटर, स्विच, SD-WAN, इस तरह की जो भी कॉल्स मुझे मिलती है तो मैं उनको भी करता हूँ। बैंक में जाके ये सारी इंस्टॉलेशन मैं करता हूँ, जो बैंक में एक सर्वर रूम बनाया होता है, तो वहाँ पे राउटर एंड स्विच और इस तरह के डिवाइस लगे होते हैं, SD-WAN वगैरह लगे होते हैं, ये डिपेंड करता है ब्रांच के ऊपर कि कौन सा डिवाइस वहाँ पे लगा हुआ है, तो उसकी इंस्टॉलेशन का मैं काम करता हूँ। जो भी कॉन्फ़िगरेशन करवानी होती है वो सारे मैं इस तरह की एक्टिविटी कर लेता हूँ। तो ये नेटवर्किंग के फील्ड में मैंने ये नेटवर्किंग का एक सर्टिफिकेशन भी ऑनलाइन कर रखी है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने गूगल IT स्पेशलिस्ट का भी मैंने एक सर्टिफिकेशन करी है, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कोर्सेरा, जो कि गूगल से वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है। अगर वहाँ से आप सर्टिफिकेशन करते हो तो वो सर्टिफिकेशन वैलिड है कोर्सेरा की। तो कोर्सेरा प्लेटफॉर्म में जाके मैंने गूगल IT सपोर्ट स्पेशलिस्ट की सर्टिफिकेशन भी कर रखी है। तो देखिए, मेरा IT फील्ड में BSc IT है, इसके अलावा ओरेकल DBA हूँ मैं, ओरेकल लाइन DBA हूँ। इसके अलावा IT मतलब नेटवर्किंग के फील्ड में भी सर्टिफिकेशन कर रखी है। गूगल IT सपोर्ट, जो कि IT का जो एक स्पेशलिस्ट होता है, वो सर्टिफिकेशन भी मैंने कर रखी है। तो ये दोस्तों, मैं मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि मैंने इस तरह की स्किल्स ले रखे हैं जिससे मैं टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली हूँ। जो भी जॉब्स या जो भी काम आएगा, जो भी ट्रेवलिंग शूटिंग आएगी, हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल का एक HPICT Phase 2 प्रोजेक्ट, जो कि 1514 स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में, हाई स्कूलों में, मैं एज ए कोऑर्डिनेटर रहा हूँ चंबा डिस्ट्रिक्ट में, जिसके थ्रू मैंने जो 136 लैब थी चंबा की, 136 स्कूलों में अपनी सेवाएं दी है। तो वहाँ पे ICT लैब्स, स्मार्ट क्लास सॉल्यूशन के लिए केयान प्रोजेक्टर वगैरह होते थे, तो वहाँ पे अपनी सेवाएं 5 साल दी है मैंने। तो मुझे इस तरह का फील्ड का भी नॉलेज है, ICT लैब्स को कैसे सेटअप करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे इसकी रिपेयर करनी है, जो भी ट्रबलिंग शॉटिंग होती है इसका मुझे, मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ और जॉब को जल्दी अटेंड कर सकता हूँ। तो ये 5 साल मैंने काम किया है इसके अंदर, जो कि पूरे हिमाचल में 1514 स्कूलों में मैंने, चंबा में 136 स्कूल, और ये जो हिमाचल में 1514 स्कूल थे, तो वहाँ पे मैनेज करने के लिए जो कंपनी थी उन्होंने इतने एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे, तो 1514 टोटल स्कूल थे और 136 स्कूल्स मैंने चंबा में अपनी सर्विसेज दी है। इसके अलावा हिमाचल में बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी कंपनी भेजती थी, एज ए मास्टर ट्रेनर मैं रहा हूँ, टीचर ट्रेनिंग मैंने प्रोवाइड करवाई है स्कूल्स पे। तो इस तरह की मेरी स्किल्स है। तो अभी मैंने हाल ही में अपना सेटअप ये लगाया है इधर, ताकि मैं अपना एक सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपना काम कर सकूं। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूं अपना ये सेटअप।
तो ये है दोस्तों, अगर कोई कस्टमर आएगा उनके लिए चेयर्स, और ये बिल्कुल सामने ये है मेरा जो रिपेयरिंग का काम आएगा वो मैं यहाँ पे करूँगा। तो इसके लिए मैंने ये वर्क स्टेशन बनाया है, और साथ में ये खिड़की है। आप इसको, अगर आपको ठंडी हवा चाहिए तो बिल्कुल साथ में ही ये बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं करता हूँ इसको बंद। तो ये सारा जो काम है दोस्तों, ये मैंने खुद करवाया है। ये काउंटर मैंने बनवाया, और कुछ इस तरह की दोस्तों अभी एसेसरी रखी है मैंने शुरुआत में। तो शुरुआत में इन्हीं से करूँगा, आस्ते आस्ते अगर मेरा बिजनेस ठीक चलेगा तो सारी चीज़ें मैं रख लूँगा। तो ये है, इस तरह की आइटम से शुरुआत करी है मैंने, और कुछ इस तरह के पीसी अभी मुझे आ भी गए हैं रिपेयर के लिए। तो ये रिपेयर करने के लिए दो पीसी आ गए हैं, इसके अलावा दो चार मैं पहले कर चुका हूँ। तो इस तरह की एसेसरीज आपको अभी शुरुआत में मिल जाएगी, आस्ते आस्ते मैं सब कुछ रख लूँगा। तो ये है मेरा रिपेयरिंग का टूल। ये देखिए, मुझे जो स्कूल्स आईसीटी स्कूल्स हैं वहाँ से जो यूपीएस में कोई दिक्कत आती है वो भी बनाने के लिए आते हैं। इसी तरह ये रिपेयरिंग का काम इस तरह से, ये मेरा टूल। दोस्तों अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूं। जो मैंने आईटी फील्ड में एक्सपीरियंस ले रखे हैं उसको भी मैं बताना चाहूंगा। जो मेरी शुरुआत हुई है जॉब करने की, सन 2003 से शुरू हुई थी। एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर मैं INIC ऑफिस चंबा में अपना एक करियर शुरुआत किया था। एक कंपनी थी जिसके थ्रू हमें लैंड रिकॉर्ड का एक डेटा एंट्री का काम मिला था। तो सन 2003 से मैंने एज ए डेटा एंट्री की जॉब करी, तो 1.5 साल तक वहाँ पे एज ए डेटा एंट्री वहाँ पे काम किया। इसके अलावा मैं एक इंस्टीट्यूट था वहाँ पे एज ए फैकल्टी भी रहा हूँ। तो वहाँ पे बच्चों को पार्ट टाइम पढ़ाया है। एक टाइम मैं अपनी BSc की पढ़ाई कर रहा था, और दूसरे टाइम मैं वहाँ पे पार्ट टाइम मैंने वहाँ पे पढ़ाया है। तो टीचिंग की फील्ड में भी मैंने ये काम किया हुआ है। इसके अलावा एज ए कस्टमर केयर मैनेजर भी मैंने काम किया है, कस्टमर सर्विसेज भी का भी मुझे नॉलेज है। और उसके अलावा मैंने पंचायत, जो हमारा पंचायत समिति ऑफिस होता है ब्लॉक लेवल पे, वहाँ पे एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने काम किया है। तो जो सॉफ्टवेयर की जो बारीकियाँ होती हैं उसका भी मुझे पता है। तो इस तरह इसके बाद मैंने ICT प्रोजेक्ट में काम किया, जो कि काफ़ी लंबा रहा, मेरा 5 साल का प्रोजेक्ट था ये। इसके अलावा एज ए बिजनेस एसोसिएट भी मैंने काम किया है। तो कुल मिला के मेरा 10 या 12 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको बताया। तो 12 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने अभी अपना ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट और या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का करियर शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि मैं वो कर सकता हूँ जो मैंने अपने करियर में अच्छे तरीके से किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है। तो इसका मुझे काफ़ी तजुर्बा है और मैं इसको कर पाऊँगा। ये टूल्स मिल जाएगा, जो चीज़ें मुझे रिपेयरिंग के लिए चाहिए होती हैं वो मैंने साथ में रखा है, तभी ये रिपेयरिंग का टूल्स मैंने साथ ही बनाया है। तो ये है दोस्तों मेरा काउंटर्स, और पॉजिटिविटी बनी रहे इसके लिए मैंने 7 होर्स का ये 3D ये लगा दिया दीवार पे। और यहाँ पे मैं बैठूँगा, तो जो भी कस्टमर आएगा तो ये मेरा बिल्कुल, ये मेरा काउंटर है, यहाँ से बैठ के मैं कस्टमर से डील कर सकता हूँ। तो इस तरह का दोस्तों ये काउंटर है,
और ये थोड़ा मैं बाहर का दिखा देता हूँ। बाहर का जब कस्टमर आएगा इस रास्ते से आएगा बाहर से, थोड़ा सा बाहर का दिखा देता हूँ। ये मेरा बाहर का व्यू। तो शुरुआत में तो देखिए बाहर का व्यू है, बाहर बिल्कुल साथ में ये मेरी बाइक लगी हुई है पार्किंग के लिए। देखिए दोस्तों पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल साथ में है, आपको पार्किंग वगैरह मिल जाएगी। तो और साथ में ही आपको ये जो NH है, NH का जो रोड है 154 NH 154 वो आपको साथ में ही दिखेगा। आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, बिल्कुल साथ में ही ये रोड है। और बिल्कुल ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के साथ मेरी शॉप है। देखिए सारी गाड़ियाँ यहाँ से आते जाते आप देख सकते हैं। तो काफ़ी भीड़ रहती है इस रोड पे, तो आपको इस तरह से दिख जाएगा ये। तो देखिए दोस्तों ये बाहर से मेरी शॉप का व्यू। कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे सकती है मेरी शॉप। और ये है मेरा काउंटर जहाँ पे मैं बैठता हूँ। तो यहाँ पे आने से पहले मैंने पूजा वगैरह कराई थी, तो आम के पत्ते आपको दिखाई दे सकते हैं। तो बाहर से कुछ इस तरह से देख सकते हैं मेरी शॉप का व्यू। अगर दोस्तों आप मेरे कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर डबलिंग शॉटिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो ये है मेरा ICT सॉल्यूशन चैनल। आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, चैनल है ICT सॉल्यूशन। तो इसके अंदर भी मैं जो मेरे पास रिपेयरिंग का सामान आता है या रिपेयरिंग का काम आता है तो उसका वीडियो भी मैं डालता रहता हूँ। और कस्टमर को अपने या लोगों को अपने ऑनलाइन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप जो वीडियो मेरा देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। तो देखिए ये लाइट्स के स्विच, इस तरह से ये वायरिंग करवाई थी। ये वॉल फैन है ताकि मुझे हवा यहाँ पे मिलती रहे। इसके अलावा ये जहाँ पे मैं रिपेयरिंग करूँगा उसके लिए पावर पोर्ट यहाँ पे लगा दिए। और तो दोस्तों ये था मेरा शॉप का कुछ सेटअप, तो कुछ इस तरह से है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आपको मेरे टेक्निकल वीडियो देखने हैं, टेक्निकल सॉल्यूशन वाले वीडियो देखने हैं तो आपका मेरा ICT सॉल्यूशन वाला जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू दोस्तों।